बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फिगर हो, और अगर नहीं मानोगे तो ये टेप आज भगदान जी लाया आपके मुंह पे लगाएगा। अच्छा, प्रधानमंत्री जी के अंदर एक सबसे बड़ा मुगल बैठा हुआ है, उनको भी बहुत बड़ी एक आदत है, बिल्डिंग बनवाओ अपना नाम डालो। आर्टिकल 370 हटते समय सबसे ज्यादा कौन चीखा था? आप। आज मीटिंग कहां हो रही है? अब तो आप शांत है, अब बोलिए कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है वहां? कि 5 करोड़ पूंजीपतियों की संपत्ति में इजाफा हो जाए तो क्या इस देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है? दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती। एक तरफ आप कहो कि भारत तरक्की कर रहा है, हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया, और दूसरे 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा। आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमारे देश में पाकिस्तान जैसी चीजें चल रही है? क्या बोल रहे हो आप? एंटी नेशनल चीजें बोल रहे हैं आप? मैं बता दूं, केस हो जाएगा आपका। सुनिए, घृणा और वैमनस्यता की जो चीजें पाकिस्तान ने 47 से लेकर के पोसी ना, आज अपने यहाँ वही हो रहा है। कर्नाटक के चुनाव में मेरे प्रधानमंत्री जी केरला स्टोरी की प्रोमो ऐसे कर रहे थे जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई प्रोमो हुआ करती है। कुछ भी कहानी परोस करके लोगों को, समाज को ध्रुवीकरण करोगे चंद वोटों की खातिर, क्या बचेगा इस देश में? कब्रिस्तान बन जाएगा पूरा देश, शमशान बन जाएगा। फिर डील करते रहना भूत प्रेतों से। हमारे सुप्रीम लीडर के बारे में आप ऐसी बातें कर रहे हो, आपकी रिकॉर्ड कैसे? आनंद मोहन जी किसको छोड़ा? विश्वगुरु कौन सा विश्वगुरु? वैश्विक दर्शन नहीं, और विश्वगुरु विश्वविद्यालयों को खत्म कर दिया विश्वगुरु। अरे मैंने आपसे बात करने, आप वायलेंस, भगवान जी के साथ वायलेंस की बात कर रहे हैं? इनका जो परिवार है ना, वो चुनाव लड़ता नहीं है लेकिन चुनाव के आउटकम को सेट करता है, उस परिवार का नाम है आरएसएस। आप बहुत बड़े नेहरू भक्त हो, नेहरू जी के बारे में बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हो, बताइए फिर कांग्रेस जाना चाहते हैं, बोलो ना। पार्लियामेंट का विस्तार होगा, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कत्ल करके। इतना टाइम खतरे में है बोलते रहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है, आप मुझे इंपेरिकल एविडेंस दो। मैं तो बीजेपी के लोगों से आग्रह करता हूँ, आपके हक में भी नहीं है, क्योंकि इतना नुकसान करके आप चले जाओगे ना, आपसे भी रिपेयर नहीं हो पाएगा 5 साल बाद। मोदी जी एक आर्किटेक्चर के फेस हैं, वो आर्किटेक्चर संविधान विरोधी है, डेमोक्रेसी विरोधी है, वो सोशल जस्टिस विरोधी है, उस आर्किटेक्चर को डिमोलिश करना है। इफ नॉट मोदी देन वी द पीपल। नमस्कार मित्रों, भक्त बनर्जी इज बैक इन द हाउस, एंड भक्त बनर्जी के साथ मनोज कुमार झा जी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन आज भक्त बनर्जी एक शपथ लेता है, आज मैं शपथ ले रहा हूं मनोज जी, रिस्पेक्ट है आपके लिए, इंटेलेक्चुअल आदमी है आप, तो आज भक्त बनर्जी बहुत शांत तरीके से सवाल पूछेगा। लेकिन आपको मनोज जी, आपको एक चीज बोलना पड़ेगा, लेकिन आप मेरे हर सवाल का ऑनेस्टली जवाब दोगे, क्योंकि ये जो इंटेलेक्चुअलिज्म की बात है ना, आज भक्त बनर्जी दिखा देगा कि भक्त बनर्जी भी ये सारे इंटेलेक्चुअल्स का रफा दफा कर सकता है। तो रेडी है? पक्का। हाथ हिल रहा है आपका? नहीं, शेकिंग? नहीं, मनोज जी मैं बात बता दे रहा हूं, ये जो आपने मेरे साथ गेम खेलने की कोशिश की है ना, ये ना चलेगा। किताबों के बीच में भक्त बनर्जी को बैठा दिया, आपको लगा हम डर जाएंगे? मार्क्स, हम डर जाएंगे आपके मार्क्स? ना, डरने वाले नहीं हम। फायर ब्रांड स्पीकर बोला जाता है इनको पार्लियामेंट में, फायर और बैंड वो हम बताएंगे आप। जनता ये देख लो, सेलोटेप है, सेलोटेप जानते हैं क्यों है? अभी बताता हूं, अभी आप भक्त बनर्जी बताएगा आपको इसके बारे में। हां जी, सबसे पहले तो ये बताइए, अभी मैं देखा जब मैं यहां आके बैठा, बहुत सारे लोग आए आपसे सवाल पूछ रहे, मीडिया आपसे सवाल पूछ रही है, पार्लियामेंट खुल रहा है और सावरकर जी के दिवस पर खुल रहा है, उनको भी याद किया जाएगा, श्रद्धांजलि दी जाएगी, तो फिर इसमें भी आपको प्रॉब्लम है? देखिए, प्रॉब्लम कतई नहीं है, प्रधानमंत्री जी के वैश्विक दर्शन से हमें दिक्कत है। प्रधानमंत्री जी कौन से सावरकर को देख रहे हैं, काला पानी के पहले या काला पानी के बाद? और सावरकर और गांधी और अंबेडकर एक फ्रेम में नहीं हो सकते, तो ये विरुद्धों का सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, देश का नुकसान कर रहे हैं, इसलिए चिंता होती है। काला पानी से पहले देख रहे हैं, पहले देख रहे हैं, चलो आप बताइए। नहीं, मुझे सिर्फ इतना कहना है कि क्या आपको जो हमारे पास प्रतीक थे, चाहे गांधी हो, नेहरू हो, अंबेडकर हो, सरदार पटेल हो, आपके लिए इन प्रतीकों का कोई मतलब नहीं? यानी कि आप साध्वी वो जो भोपाल की एमपी हैं, उनके और आप में कोई फर्क नहीं रहा हमारी नजर में? मैं आपका रेप्यूटेशन जो है ना, बिल्कुल सही, बात को देखो कहां से कहां ले गए, हम बात कर रहे थे पार्लियामेंट के, आप पहुंच गए साध्वी तक, इसीलिए आपको कहानीबाज आज भक्त बनर्जी आपको कहानीबाज एक्सपोज करके रहेगा। बताऊं, ये जो घुमाने वाली, सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं आपकी, ये जो घुमाने वाली जो आदत है, मैंने हम तो कहेंगे कि आप कहानीबाज हो, ये तोता वाली कहानी आपने सुनाई हाल ही में? नहीं, आपका मतलब क्या है? एक तोता था, उस पर रिपोर्ट आया, फिर राजा बीमार हो गया, सीधे सीधे बोलिए ना, आपको प्रॉब्लम है,
आपको प्रॉब्लम है कि हमारे सुप्रीम लीडर के बहुत पावरफुल दोस्त हैं, आपको प्रॉब्लम है कि उनके पास बहुत ज्यादा सपोर्ट है, नहीं बता दीजिए ये तोता वाली स्टोरी पहले बताइए, क्या क्या प्रॉब्लम है आपको? तोते वाले स्टोरी को आकाश जी अगर आपको देखना है तो आपको देखना होगा पृष्ठभूमि क्या थी। सदन में अडानी का नाम आते ही सदन को रोक दिया जाता था। देख लीजिए आप अडानी जी का नाम, हाँ, रिस्पेक्ट से लीजिए। नहीं, हाँ। बिल्कुल बिल्कुल पूरे आदर के साथ कह रहा हूँ, आदर तो आज और भी बढ़ गया जब एक पूरी की पूरी अलग तरह की रिपोर्ट भी आ गई। हाँ, देखिए क्लीन चिट आना शुरू हो गया। हाँ, वो क्लीन चिट स्ट्रोक। हाँ। तो उस दौर में मैंने तय किया अचानक स्पॉन्टेनियसली अगर मैं एक तोते की कहानी से सुनाऊ तो पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में भी जाएगा और डिसरप्शन भी नहीं होगा, तो पूरी बात भी चली गई, केमन आइलैंड की चली गई। कुछ तोतों के प्रति उनकी आसक्ति थी जिसमें से एक तोता गौतमी प्रवृत्ति का था। उसके बाद फिर मैंने उस तोते के एक भाई का जिक्र किया जिसका विनोदी प्रवृत्ति का स्वभाव था और जो केमैन आइलैंड वगैरह में काम करता था। मुझे कहना था तोता केमैन आइलैंड में कैसे काम कर सकता है, क्या बात कर रहे हैं आप? ये तोता यही ये पर्सोनिफिकेशन था। अच्छा ठीक है, फिर तोता चलिए। फिर तो उस तोते के माध्यम से मैंने वो सारी बातें कही जो विपक्ष कहना चाह रहा था और पार्लियामेंट के रिकॉर्ड में भी गया। इसलिए मैं कह रहा हूं कि कई दफा हमने देखा है कि पार्लियामेंट में अगर आपको कोई अपनी बात कहनी हो तो और अगर भौंय ना भ्रिकुटी ना तने लोगों की तो आप कहानियों का इस्तेमाल करते हैं, आप कविताओं का इस्तेमाल करते हैं। देखिए देखिए भक्त बनर्जी के सामने बात एक्सपोज हो जाती है, बोलिए ना भय है आपको, डरते हैं आप? मुझे भय नहीं है, मुझे डर है कि पार्लियामेंट्री प्रोसीजर को इतना संकीर्ण दायरे में ला दिया गया है कि अगर आप सच बोलने के लिए खड़े होते हैं तो उसकी भी इजाजत नहीं है, एक तरह से हाईजैक करने की कोशिश होती है, अतः आपको वो तमाम विधाएं लेनी होती है। अब जैसे मैं एक उदाहरण आपको और दूं, बहुत छोटा सा उदाहरण है। एक दिन खुद हमारे प्रधानमंत्री जी और बड़े बड़े मंत्री बैठे हुए थे, मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पे बोल रहा था। मुझे कहना या था एक ही बात कि आप अक्सर झूठ बोल देते हो, पोस्ट ट्रूथ दुनिया में आप फैक्ट को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं एडिटर, आप कौन कौन झूठ बोल देता है, ऐसे थोड़ी नहीं बोल सकते आप। देखिए हमारे लीडर के बारे में आप ऐसे नहीं, बिल्कुल मैं साक्ष्य के आधार पर कहता हूं कि जो मैंने प्रधानमंत्री जी बजरंग दल और बजरंग बली को इज इक्वल टू कर दें उनसे मैं क्या अपेक्षा करूं। खैर मैंने इज इक्वल टू क्यों नहीं है इज इक्वल टू बजरंग दल और बजरंग बली? अगर बजरंग बली का आपको भी सुन लेंगे ना तो आपके कान के नीचे भी 20 लगा देंगे। अरे मैंने आप मैं आपसे बात करने आप वायलेंस भगवान जी के साथ वायलेंस की बात कर रहे हैं आप? भगवान मारेंगे ना तो जोर से नहीं मारेंगे, हल्के हल्के मारेंगे, लेकिन चलिए आप उल्टा सीधा बोल रहे हैं, ये अच्छी बात नहीं। हां फिर तो मैंने कहा उसी रेफरेंस में कि एक वसीम बरेलवी का शेर था, वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। तो एक भूतपूर्व मंत्री, तभी भूतपूर्व नहीं थे अभी भूतपूर्व हो गए हैं, उन्होंने ताली बजा दी। ताली बजाने के बाद उनको एहसास हुआ कि ट्रेजरी बेंच से वो अकेले थे जो ताली बजा रहे थे, फिर उनको किसी ने समझाया, वो बाहर आए, बोले यार तो नौकरी ले लेगा मेरी। तो कई दफा क्या होता है ना कि कई चीजें कम्युनिकेट कर जाते हैं। किताबें थोड़े ज्यादा पढ़ रहे हैं आप, मुझे आपकी बातें ना मेरे सर से, आप कहानीबाज हो, मैं आपको बताता हूं क्यों। ये नयन सुखलाल ये कहां है? इनके बारे में आपने तो बड़ी कहानी बताई पार्लियामेंट में। नयन सुखलाल जी है, हमारे घर के आसपास काम करते हैं, बेचारे को पैसा नहीं मिलता है, कितनी आमदनी। अरे तो अपने एमपी लाइट फंड से दे दो, कुछ दे दो। आपको अगर इतनी प्रॉब्लम होती है तो पार्लियामेंट में जाके कहानी क्यों ऐसे, मैंने क्या लोगों की इमोशन के साथ खेलना आपको अच्छा नहीं लगता इस तरीके से? एमपी लाइट फंड की कोई व्यवस्था व्यक्ति को मदद करने की नहीं है, लेकिन इमोशन से खेला है आपने? नहीं, इमोशन से कतई नहीं खेला। नयन सुख प्रतीक है उन तमाम हिंदुस्तानियों का जो नौकरी मांगते हैं, महंगाई से राहत की मांग करते हैं, तो उनको कहा जाता है कि मंदिर की साइज देख लो, ये वाला बहुत बढ़िया हमने ये कर लिया। तो ये जो राजनीति को दैनंदिन के जीवन से, एवरीडे लाइफ से दूर करने की जो एक एंटी पॉलिटिकल मशीन काम कर रही है, उसके खिलाफ नयन सुख का उदाहरण था। नहीं आप ऐसे कैसे बोल सकते? एक तो अच्छा नयन सुख कहाँ है सबसे पहले तो बुलाओ, मैं जानता हूँ कहानी है, बुलाओ मैं यहाँ बैठा हूँ, बनर्जी बैठा हुआ करोड़ों नयन सुख। देखिए इंटरव्यू खत्म कर दो, सुख चैन सब खत्म कर देगा। तो नयन सुख आप ना बुला पाए। जो दूसरा है कि अगर मंदिर दिखा तो क्या गलत है? नहीं, क्या गलत है इसमें? अरे अरे मान सम्मान भी होता है, रिस्पेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है, सिर्फ खाना नहीं होता है। यही सोशलिस्ट, यही
नहीं इसको एक बात आकाश जी सोशलिस्ट नहीं आप नाराज नाराज मत होइए आप, मैं सिर्फ आपको इतना कहता हूं कि मंदिर मेरी व्यक्तिगत आस्था का प्रश्न है, सामूहिकता में मुझे भूख लगती है, मेरे बेटे को नौकरी चाहिए, मेरी बेटी को नौकरी चाहिए, महंगाई से पूरा परिवार त्रस्त है, मिडिल क्लास ईएमआई नहीं दे पा रहा है, उसको आपने टैक्स टेररिज्म के जाल में फांस लिया है, उन सब के खिलाफ नयन सुख एक उदाहरण था। नयन सुख इसलिए कि नाम से तो लगता है इसको कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन वही जो कहते हमारे गाँव में कहते थे कि बाप मरल्ला नड़िया में बेटा के नाम पावर हाउस। अब अच्छा ठीक है, नयन कहाँ है, ये नयन सुख कहां है, मुझे तो नहीं दिखता कोई रस्ते में, मुझे तो नहीं दिखता कोई कंप्लेन। नहीं, ये जो आप लोग इंटेलेक्चुअल लोग हमेशा बोलते रहते हो कि लोग त्राही त्राही कर रहे, तो कहां है ये त्राही त्राही के लोग, ये आपके मन की सोच है। ये जो चश्मा है ना काला वाला, इसको हटा दीजिए, करोड़ों नयन सुख मिलेंगे। अरे जो सड़कों पे हैं, सड़कों के किनारे हैं, फुटपाथ पे हैं, गांव में हैं, शहरों में हैं, देश की सरकारों ने इन नयन सुखों की ओर देखना बंद कर दिया है, क्योंकि 5 करोड़ पूंजीपति कि चारों तरफ बटन लगाने में जिंदगियां जा रही हैं। मनोज जी मैं मानता हूं कि अच्छा थोड़ी कठिनाई है, अब वो तो हमारे जवान भी सियाचिन में लगे हुए हैं, तो कठिनाई तो सब ले रहे हैं ना, अभी ग्लोबल रिसेशन की बात चल रही है। हाँ, आप तो इतने इकोनॉमी के बारे में जानते हो, तो अब कष्ट है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है, हम वी आर द ब्राइट स्पॉट है कि नहीं तो फिर आप ये नयन सुख के पीछे क्यों पड़े हो, कोई महंगाई नहीं है, सब ठीक है। एक मिनट, आप नेगेटिविटी फैला रहे हैं। मैं बिल्कुल नेगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं, आपकी सहमति से मैं इतना कहना चाहता हूं कि वर्ल्ड बैंक या IMF की जो ग्रोथ का पैमाना होता है ना, उसमें इंक्लूसिवनेस नहीं होता है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको कि 5 करोड़ पूंजीपतियों की संपत्ति में इजाफा हो जाए तो क्या इस देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ जाती है? फर्क है मीलों का, ये मीलों का फर्क नयन सुख समझता है। आप चश्मा उतार के देखिएगा, आपको करोड़ों नयन सुख मिलेंगे। एक बार मेरे कहने से उतार लीजिए। अरे आप मेरे चश्मे के पीछे क्यों पड़े? नहीं, वो काला है ना, ये देखने से रोकता, दृष्टि बाधित करता है। ये चश्मा मुझे बचाता है, आप जैसे लोगों के नजरों से बचाता है, जिससे कि मुझे देश में ना 19 अभी अरे टाइम लगता है इन सब चीजों में, अभी देखिए 10-15 साल थोड़ा टाइम लगता है, 70 साल ऐसे थोड़े ना निकल जाते हैं। अच्छा, तीसरी बात, जिसमें आप कहानियां बताते हैं, पार्लियामेंट में बैठ के आप ये कहानी क्यों बता रहे थे कि ये चाइना के ऊपर डिस्कशन होना चाहिए, मोदी जी बहुत शांत है। मैंने एक एक बार में आपका पूरा रिसर्च, पूरा रिसर्च है प्रोफेसर साहब, आप हो रिसर्च, हम भी कर सकते हैं। तो ये जो इतना रिसर्च करके ये मोदी जी खामोश क्यों है, चाइना पर खामोश क्यों है, तो डिस्कशन किया था ना आपके फेवरेट नेहरू ने, डिस्कशन किया था ना, क्या हुआ 62 में डिस्कशन करके खत्म हो गए थे ना। नहीं तो क्यों चाहते आप डिस्कशन हो इस बारे में, अरे घुस के मारेंगे जब मारना हो तो। नहीं तो तब तक क्या करेंगे, पीड़ा सहते रहेंगे, जवानों की शहादत देते रहेंगे, कोई नहीं आया कोई नहीं घुसा बोलते रहेंगे। 62 में हम युद्ध में थे, लेकिन अक्टूबर के महीने में सदन बैठी थी, ये हमारे लोकतंत्र का मिजाज था। आज क्या है, हमारे PM, हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डिनायल मोड में रहते हैं, सरकारें आएंगी जाएंगी, देश के मिजाज को छोटा करने का, कमतर करने का कोई भी प्रयास देश के मिजाज के अनुरूप नहीं होता है। लोगों को चोट पहुंचती है, हर शहादत कहानी छोड़ के जाती है। आप माला पहनाते हैं, तिरंगा में लपेट देते हैं और भूल जाते हैं, यही बंद होनी चाहिए रवायत। नहीं, ऐसी बात नहीं है, किया है, कर रहे हैं, अभी चाइना के वो ऐप बैन नहीं कर रहे हैं, कुछ कुछ कर रहे हैं काम, धीरे धीरे, इतना टाइम लगता है। बस अब वही बाकी रहा, चिकन चाउमीन बंद कर दे। अरे क्या मैंने मजाक, अच्छा ये 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 जो ये ये जो आपकी जो हैबिट है ना, सब चीजों से प्रॉब्लम, आप मानोगे आज आपसे, अच्छा ये तो बता दें, ये आज ना अगर आप मानोगे नहीं ना एक बात, चलिए आज आप मेरी, मैं सब बात मान लूंगा आपकी, आज मनोज जी एक बात आप मेरी मानेंगे कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है लोगों से, आप बहुत ही प्रॉब्लमेटिक फिगर हो, और अगर नहीं मानोगे तो ये टेप आज भक्त बनर्जी लाया आपके मुंह पे लगाएगा आज, आप मान लो ये बात। कैसे मान लो, मैं बताता हूं आपको क्यों, हर किसी के साथ आपको प्रॉब्लम है, माने कहां कहां से आप प्रॉब्लम निकाल लेते हैं, जो प्रॉब्लम होता भी नहीं वहां से प्रॉब्लम निकाल लेते हैं। प्रेसिडेंट अपना स्पीच खुद क्यों नहीं लिखती है, प्रधानमंत्री स्पीच क्यों लिखवाते हैं, अब प्रेसिडेंट के पास और कोई काम नहीं है, है? वो अपना मुगल घाट वो क्या क्या नाम हो गया है, अमर उद्यान वो अपने अमर उद्यान में घूमे और उनका वो अपने ट्रिप करे। अरे रबर स्टैंप होता है, आप तो संविधान जानते हो, तो प्रेसिडेंट रबर स्टैंप होता है, नहीं तो प्रेसिडेंट अपना स्पीच क्यों लिखेगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता, जब वो मैंने बात कही तो सिर्फ मोदी जी के काल की ही बात नहीं कर रहा हूं, 52 से लेकर के अब तक हमारी चिंता इस बात की है कि महामहिम जब बोले ना
तो देश के सरोकारों को सिर्फ सरकार की नजर से ना देखें, क्योंकि वो सरकार भी हैं और सरकार से बाहर भी हैं। तो ये जो उस पद की एक गरिमा होनी चाहिए ना, अब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ था बीते वर्ष, अलग अलग तरह की चीजें थी, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी से आप जो स्पीच बुलवा रहे थे उसका हमारी हकीकत से मीलों का फासला था। और मुगल उद्यान जिसको आपने अमर कहा, वो अमृत उद्यान उन्होंने कर दिया। और मुगल मत बोलिए, नहीं 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 मुगल तो मैं इसलिए आप बहन नहीं 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 प्रधानमंत्री जी के अंदर एक सबसे बड़ा मुगल बैठा हुआ है, उनको भी बहुत बड़ी एक आदत है, बिल्डिंग बनवाओ अपना नाम डालो, ये शाहजहां और जिले इलाही से कम नहीं है। आप क्या बात कर रहे हैं, आप हमारे सुप्रीम लीडर को मुगल बोल रहे हैं, आप कंपेयर कर रहे हैं? मैं बादशाह बना रहा हूं, इसको काटो यार, ये मैं इनको बादशाह कह रहा हूं कि बादशाह की तरह उनको भी कोरोना काल में मुझे ये इमारत बनानी है और उस इमारत का उद्घाटन मैं करूंगा फलानी तारीख को। तो ये तो मुगलों की प्रवृत्ति है, ईर्ष्या में आप इतने जले हुए हो कि आपने मुगल बना दिया, बादशाह बना दिया। अरे नया बिल्डिंग बन रहा है, अब इसमें आप जैसे एमपीज उसमें बैठेंगे, हैं, विस्तार होगा हमारे पार्लियामेंट का, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम है? नहीं, पार्लियामेंट का विस्तार होगा पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को कत्ल करके। मैं अभी यूके गया था, 1000 साल पुरानी बिल्डिंग है, उनको नई बिल्डिंग की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन हमको इसलिए जरूरत पड़ी कि प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि एक लेगेसी छोड़ के जाओ, तो मुगलों की तरह एक लाल किला बनवा दो, तो उनका ये लाल किला है। ये बताओ, ये सब तो ठीक है, अरे वो तो बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग इनॉग्रेट भी होगा, वो छोड़ दीजिए आपको। अब मैं देखो, यही डिफरेंस है, एक तरफ वो बना रहे विशाल नया पार्लियामेंट, और आपको किस बात से तकलीफ है? चीता से भी तकलीफ हो गई। अरे सबको अपना अपना पेट अच्छा लगता है, उनको चीता लाए वो, अब वो चीता से भी आपको प्रॉब्लम है, उनको बताइए चीता क्यों नहीं लाना चाहिए? नहीं, चीता बिल्कुल लाए, मुझे बहुत बेहद अच्छा लगा, पूरा देश का माहौल चीतामय हो गया, सुबह क्या खाया, शाम में क्या खाया, रात में कब सोया, अच्छा आज को जमाई ले रहा था। लेकिन जब चीते बेचारे मृत्यु लोक को प्राप्त हो गए, तो चीता प्रेमी उस व्यक्ति की ओर से एक ट्वीट नहीं आया, जो उंगली की चोट पर भी ट्वीट करते हैं। इसलिए कष्ट होता है कि दिखावे का स्नेह नहीं होना चाहिए, दिखावे का प्रेम नहीं होना चाहिए। अब बिजी इंसान है, वो एक एक चीते के बारे में थोड़ी ना वहां बैठ के अपडेट देंगे, आप भी कैसी बातें कर रहे हो, मैंने एक्सपेक्टेशन देखो। चलिए चलिए भाई, आपकी बात मान ली, लेकिन चलिए चीते से आप आते हैं मणिपुर, हमारा एक राज्य, 72 जाने चली गई, और आप कर्नाटका में वोट मांग रहे थे, एक संदेश तक नहीं गया, एक ट्वीट नहीं गया, क्या मणिपुर हमारे देश का हिस्सा नहीं है? यह आपकी नॉर्थ ईस्ट को एक अच्छा पैगाम, एक अच्छा संदेश देने की रवायत थी। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य की पुलिस पे गोली चला रही है, तब भी क्या आप कहते हैं? छोड़िए, चीते की बात ही मैं नहीं कर रहा, अब आते हैं जिंदा इंसान के लिए, उसके लिए क्यों चुप्पी होती है? टेप लगा देंगे हम आप पर, हम नहीं, अच्छा ठीक है, हम विलिंगली लगवा लेंगे, लेकिन आप मेरी बात सुनिए कि अगर ये आलोचना के लिए आलोचना नहीं है, ये ना आप ना, अब देखिए ये सब इतने बड़े विशाल देश में ये चीजें हो जाती हैं। अच्छा, मणिपुर से आपको मणिपुर से इतनी तकलीफ है, तो ये बताइए कि कश्मीर में जहां इतने 70 साल से तकलीफ चल रही थी, अब वहां G20 की मीटिंग हो रही है, आर्टिकल 370 हटते समय सबसे ज्यादा कौन चीखा था? आप। आज मीटिंग कहां हो रही है? अब तो आप शांत है, अब बोलिए कि पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी आ रही है कि नहीं आ रही है वहां? पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को आप ले आइए स्पॉन्सर्ड टूरिस्ट पैकेज के साथ, अपने सांसदों को क्यों नहीं जाने दिया? छोटा सा सवाल है। अरे अपने सांसदों को कश्मीर श्रीनगर में क्यों डिटेन कर लिया? और रही बात नॉर्मैलिसी की, मैं बार बार सदन में कहता हूं कि कश्मीर को आप जमीन का टुकड़ा समझते हैं, वहां के लोग जिंदा इंसान के बारे में आपकी कोई सोच कोई समझ नहीं है, ना वहां की पुलिस के लिए कोई समझ है, ना वहां की आर्मी के लिए, आपके लिए जमीन का वो टुकड़ा नॉर्थ इंडियन पॉलिटिक्स के लिए फॉर्डर का काम करता है। तो आप G20 करवाइएगा, स्पॉन्सर्ड रहेगा, बुलेट प्रूफ जैकेट में लोग घूमेंगे, नॉर्मैलिसी नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप थोड़ा हेडलाइन मैनेजमेंट इंडियन मीडिया में कर लीजिएगा, 2 दिन खबर चलेगी, लोग तालियां बजाएंगे, लेकिन कश्मीर के हालात वहीं के वहीं रहेंगे। अब प्रोफेसर साहब, आप तो लेक्चर देने लगे, मैं भक्त बनर्जी प्यार से सुन रहा है, इसका मतलब ये थोड़ा ही ना है। मैं लेक्चर नहीं दे रहा हूं। अरे पहले जमीन और फिर इंसान, फिर डल लेक में भी आपको ले चलेंगे, घुमाए फिरेंगे। अभी अगर आप वहां चले जाओगे तो दो स्पीच दे दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी वहां सिचुएशन। अच्छा, कमाल है, आप अच्छा? क्या बात कर रहे हैं? अच्छा ये, अच्छा ये भी छोड़ दो, ये भी छोड़ दो, कश्मीर से ऐसे में याद आया, कश्मीर फाइल, केरला स्टोरी, प्रोफेसर साहब को पिक्चर से भी प्रॉब्लम है, आपको उसके बारे में भी बोलना जरूरी है। मैंने आपको कौन सी चीज है जिसके बारे में आप नहीं बोलना चाहते हो? चीता भी समझ में आया आपको, अब केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल, इस पर भी आपने बयान दे दिया, इतनी बयानबाजी क्यों? देखिए एक बात साफ तौर पे कहूं, जितनी मैंने होलोकास्ट की फिल्में देखी हैं,
कोई भी कास्ट कहां से आ गया? नहीं नहीं, चूंकि कहीं ना कहीं ये मकसद ये था दोनों ही फिल्मों का, ऐसा हुआ ऐसा जेनोसाइडल ये हो रहा है, ये प्रवृत्तियां हैं। किसी भी फिल्म का सिनेमाटोग्राफी को छोड़ करके ये उद्देश्य होना चाहिए कि आप जख्मों को हील करते हैं या नमक छिड़कते हैं। दोनों को आपने डॉग विजन पॉलिटिक्स में इस्तेमाल किया। कर्नाटक के चुनाव में मेरे प्रधानमंत्री जी केरला स्टोरी की प्रोमो ऐसे कर रहे थे जैसे नेटफ्लिक्स पे कोई प्रोमो हुआ करती है। मैं अपने प्रधानमंत्री जी से यह अपेक्षा करता हूं। नहीं अब ये, लेकिन ये क्यों कह रहे हैं कि पिक्चरों से ध्रुवीकरण हो रहा है, पोलराइजेशन हो रहा है? अरे सच बात सामने आ रही है तो पोलराइजेशन लग गई नहीं? आपको मैं बता रहा हूं, कल सुप्रीम कोर्ट को ये क्यों बोलना पड़ा कि डिस्क्लेमर में बोलो ये फिक्शनल आइडिया है, ये फैक्चुअल नहीं है, ये हमारी जीत है। या आप कुछ भी कहानी परोस करके लोगों को, समाज को ध्रुवीकरण करोगे चंद वोटों की खातिर, क्या बचेगा इस देश में? कब्रिस्तान बन जाएगा पूरा देश, शमशान बन जाएगा। फिर डील करते रहना भूत प्रेतों से। जिंदा इंसान चाहिए इस देश को जो ऐसे रहे साथ में, उसके लिए ये सारी चीजें कराऊं। फिल्मों बैन वैन का मैं कभी पक्षधर नहीं रहा। अब साथ में कैसे रहेंगे? अब आप तो किसी के लिए भी सपोर्ट कर देते हो, अब मैंने देखा है अभी अभी वो जुबेर के बारे में आपने सीधा पार्लियामेंट में बात। अरे हमारे लड़कों को आईटी सेल में रोज वो टॉन्ट करता है, उनका मजाक उड़ाता है, उनके पोस्ट पर पोकिंग करता है, और हमने थोड़ा सा सबक क्या उसको सिखा दिया? आप जाके उसको हीरो बना दिया पार्लियामेंट के अंदर। कतई नहीं, हीरो और विलेन बनाने का काम तो ये बीजेपी वालों का होता है। मैंने तो सिर्फ ये कहा कि इसके साथ नाइंसाफी हो रही है, और तमाम नाइंसाफियों के लिए बोला हूं। सिर्फ इसलिए कि इस देश का मिजाज प्रो जस्टिस होना चाहिए। सिर्फ किसी के नाम और सरनेम की वजह से उसको सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैंने यह भी कहा कि सीवर में उतरने वालों की जाति, आज तक एक ही जाति के लोग क्यों उतरते हैं? यह हमारे कास्टिस्ट पैराडाइम का एक घिनौना सच है। यह भी मैंने जुर्म कर दिया। तो अगर आप सदन में कुछ बोलेंगे तो आज जो इकोसिस्टम है ना, वो आपको डेमोनाइज करने की कोशिश करता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलना जारी रहेगा। आप सेलो टेप लगा दीजिएगा बाल में। मैं लगाऊंगा, क्योंकि अब ये वाला सवाल आप मुझे जवाब दो, नहीं तो सेलो टेप आ रहा है जी। मुझे प्रोफेसर साहब इंपेरिकल एविडेंस दीजिए आप, जो इतना टाइम खतरे में है बोलते रहते हैं, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। आप मुझे इंपेरिकल एविडेंस दो, आज भक्त बनर्जी को कन्विंस करिए। मैं आपके क्लास में बैठा हूं, चलिए मैं आपके क्लास में आपको बताइए प्रोफेसर। नहीं, इंपेरिकल एविडेंस के चरण छू ना 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 कहीं कहीं ना 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 ये चरण छूने वाला ये पैराडाइम ही पूरा का पूरा मैं समझता हूं आर्काइवल है। हम अपने लीडर को बहुत, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, कितनी जगहों पर बीजेपी ने चुनाव जीत के सरकार बनाई और कितनी जगहों पर चुनाव हार के भी सरकार बनाई, ये अपने आप में एम्पिरिकल एविडेंस है। 2015-16 से लेके अब तक, इसके लिए ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। नहीं, ये तो चाणक्य नीति है। ये चीटिंग कर रहे हैं आप, चीटिंग कर रहे हैं। नहीं, ये तो चाणक्य नीति है। देखिए, अब कोई एमएलए हमारे पास आना चाहे, हम उसको मना थोड़ी ना करेंगे। देखिए, चाणक्य का ऑपरेटिंग प्रोसीजर डेमोक्रेसी में नहीं था। चाणक्य एक मोनार्क के साथ था, इसलिए चाणक्य जो हम जब लाते हैं तो एंटी डेमोक्रेटिक फेस है, एंटी डेमोक्रेटिक आइडिया है। तो सीधी सी बात है कि आपके लोकतंत्र को खतरा है अभिव्यक्ति को लेकर के। मैं क्यों कह रहा हूं, सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा कि मुश्किल हो गया इस देश में? आप कुछ बोलो, आप पर इस तरह के मुकदमे, उस तरह के मुकदमे। आप देखिए जो छात्रों की फेहरिस्त जो जेल में है, बिला वजह आप यूएपीए लगाते हो, ड्रैकोनियन मेजर किसके लिए? आजाद ख्याली के लिए, एक किताब पढ़ लेने के लिए, अपनी बात रखने के लिए? तो ये तमाम चिंताएं मुझे इंपिरिकल एविडेंस देती है। ठीक है, एक दो जगह थोड़ा इधर उधर हमने खेल लिया, एक दो स्टूडेंट अंदर चले गए, उससे पूरा इतना बड़ा देश कैसे खतरे में आ गया? मुझे इंपिरिकल एविडेंस नहीं दिख रहा है, मुझे नहीं दिख रहा है। फादर स्टैन स्वामी के कौन थे? अरे आप बताइए मुझे। ऐसे सैकड़ा उदाहरण मैं दे सकता हूं। ये महाराष्ट्र का पूरा भीमा कोरेगांव का मामला क्या है? ये इस देश के प्रजातांत्रिक, मैं तो बीजेपी के लोगों से आग्रह करता हूं, ये आपके हक में भी नहीं है, क्योंकि इतना नुकसान करके आप चले जाओगे ना, आपसे भी रिपेयर नहीं हो पाएगा 5 साल बाद। हम तो उस रिपेयर के लिए चिंतित हैं, रिट्रीवल के लिए चिंतित हैं, और अकेले की चिंता नहीं है, करोड़ों लोगों की चिंता मेरे पीछे है। इतना चिंता है आपको, और उसके लिए आप क्या कर रहे हैं ये भी जरा बता दे, अपनी जनता को बता दे कि क्या 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 चाहते हैं मनोज जी। मेक इलेक्शन मैनिफेस्टो लीगली बाइंडिंग, यस। मैंने इसके मैंने ये आपका सोल्यूशन है, मैंने इसके बाद हम एक सोल्यूशन है कि मैनिफेस्टो को हमने लीगली बाइंडिंग कर दिया, मैंने इसके मतलब हम इसके बाद अपने जुमले, मेरा मतलब है इसके बाद हमने अपने प्रोमिसेस, हम प्रोमिसे भी नहीं कर सकते? अरे देखिए,
अगर मेच्योर डेमोक्रेसी में अगर आप मैनिफेस्टो दे रहे हैं तो वो उसका आपका एक कमिटमेंट टू डूएबल प्रोपोजिशन है। आप उसके बाद कह देते हो कि जुमला है, खुद गृहमंत्री जी बोल गए कि वो तो जुमला था 15 लाख 2 करोड़। इसलिए अगर लीगली बाइंडिंग होगी तो हमें ये भी बताना होगा कि हम कैसे करेंगे, क्या इसका सोर्स होगा, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टी पे लागू होगा। इसलिए ये आपकी डेमोक्रेसी को मैच्योर करेगा। ये पप्पू पर भी लागू होगा, ये जो कर्नाटका में इतना सब कुछ फ्री भी दिया है, ये भी बोलो ना। ये नहीं, अगर उनके लिए पप्पू का इस्तेमाल है तो फेकू पर भी लागू होगा। अब अरे मैं अच्छा चलिए, अरे आप भी ना क्या छोटी मोटी चीजों में फंस जाते हैं। अच्छा सुनिए, अभी तो अभी अरे अभी बाकी है अभी असली सवाल तो अब आएगा। टेप तैयार है ना? अभी टेप लगाते हैं। हाँ, ये कोविड के समय आपने बहुत अटैक किया, कोविड ये, कोविड वो, कोविड डेथ। तो कोविड के समय और कोविड के बाद जब इतना बड़ा सक्सेस स्टोरी हुआ, आपने पूरी दुनिया को कोविड दिया, कोविड का वैक्सीन दिया और पुणे में इतना सारा बना, महाराष्ट्र में इतना वैक्सीन बना, आपके बिहार में कितना वैक्सीन बना बताइए जाजी? बिहार आपने क्या किया? मैं क्रिटिसिज्म करते नहीं। अगर आप उस दौर की सोशल मीडिया मेरी पार्टी के मेरे लीडर की देखेंगे तो शायद मैं समझता हूं कि देश के तमाम रीजनल पार्टी में हम लोग सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव थे। जो छोटी मोटी हमारी हैसियत उस हिसाब से ऑक्सीजन या हॉस्पिटल की व्यवस्था अव्वल एक, नंबर दो हम सरकार में नहीं थे सर, प्लीज ये रिमाइंड करूंगा कि हम सरकार में नहीं थे। सत्ता चाहिए समग्रता के लिए कुछ जो आपके चिंतन में है, नंबर एक। नंबर दो, कोविड को लेकर के मैं फ्लैग ऑफ करता रहा हर क्षण, वैक्सीन को लेकर के कभी डाउट कभी ये नहीं किया, लेकिन कोविड डेथ में जब डिनाल हो रही थी, जब डेथ को डिग्निफाइड तरीके से एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा था, तो मैं सदन में बोला और मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं, सबसे ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेटरी मैसेजेस मुझे बीजेपी के लोगों ने दिए, क्योंकि सबके अंदर पीड़ा थी, सबके अंदर एक सेंस ऑफ लॉस था। स्पोक्सपर्सन फॉर बीजेपी, वाह वाह। नहीं, मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, कई दफा सदन में ऐसे अवसर होते हैं कि सत्ता पक्ष के लोग बोलना चाहते हैं, कभी व्हिप के कारण कभी साहब के डर के कारण वो सच नहीं बोल पाते, लेकिन खोया तो सबने था, हम सब ने खोया था। इस देश का कोई एक परिवार नहीं है जिसका कोई जानने वाला कोविड मना गया हो। अगर उस दिन जब मैंने वो बातें वहां कहीं, आलोचना वर्ग आपको महत्वपूर्ण हो, मैंने कहा था कि आज मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव मत समझिए, ये मेरी ओपनिंग लाइन थी। मैंने कहा था आज मैं उन करोड़ों लोगों की ओर से बोल रहा हूं जो आज अगर यहां होते तो यही बोलते। इसलिए आलोचना के लिए नहीं थी। उत्तर प्रदेश में लाशें फेंकी जा रही थी और वो व्यक्ति विशेष ऐसे अपना दो दो पेज का अखबार में विज्ञापन छपवा रहे, तो वो चिंता हो रही थी। कट कट, ये ऐसी ऐसी बातें, मैं ये कट हो जाएगा, ये लाशें फेंकवा, बंद करवाएंगे आप चैनल क्या? मैं ये कह रहा था ये प्रोफेसर साहब, आप तो इतने ज्ञानी हो, इतने किताबें पढ़ते हो, हैं फिर भी इलेक्शन हार जाते हो। हाँ, तो 2024 के बारे में क्या ख्याल है आपका? सुना है कि विपक्ष बहुत उत्तेजित है, हैप्पी है अभी कर्नाटका इलेक्शन के बाद। बताइए। नहीं, वी विल गिव यू प्लेटफॉर्म, बोलिए। कर्नाटका चुनाव से पहले भी विपक्ष बीजेपी हार जाएगा, बोलिए। नहीं हारेगा तो मोदी, बोलिए। मैं सीधे तौर पर कहता हूँ कि व्यक्ति महत्वपूर्ण है ही नहीं, मोदी जी एक आर्किटेक्चर के फेस हैं, वो आर्किटेक्चर संविधान विरोधी है, डेमोक्रेसी विरोधी है, वो सोशल जस्टिस विरोधी है। उस आर्किटेक्चर को डिमोलिश करना है और इसके लिए प्रक्रिया कर्नाटक चुनाव से पहले भी चल रही थी, कर्नाटक चुनाव के बाद भी चलेगी। और हम डेमोक्रेसी में सामूहिकता को बहाल करना चाहते हैं। शैंपू साबुन नहीं खरीद रहे हैं कि ये मोदी जी वाला साबुन है, आपका वाला साबुन कौन सा है, तो हम साबुन शैंपू नहीं कर रहे हैं। ये इतनी किताबें पढ़ के यही प्रॉब्लम जाता है, आर्किटेक्चर है, ही इज द फेस ऑफ द माने खिड़की है क्या मोदी जी की, बदल के कोई किसी और को लगा दोगे? दरवाजा, आंधी है आंधी, क्या बात कर रहे हैं आप, ऐसे थोड़े ना बदल सकते हो आप। यही तो खासियत है कि आपके पास कोई वायबल फेस नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है। 2024 में किसको दिखाएंगे? मैं यही कह रहा हूं कि ये जो 77 में कोई फेस था क्या, अगर आप मुझे बताओ, 2004 में कोई फेस था? हम इसको एक मिक्स मॉडल की तरह देखते हैं, 1977 एंड 2004। हमें डेमोक्रेसी में बार बार दोहरा रहा हूं कि जो सो कॉल्ड कोलिशन और सो कॉल्ड अनस्टेबल गवर्नमेंट थी, उसने सबसे ज्यादा प्रोग्रेसिव लेजिस्लेशन इस देश को दिए हैं, इतिहास गवाह है। जब जब व्यक्ति महत्वपूर्ण हुआ है ना, आत्मुग्ध राजनीति में तब्दील हो गया है और आत्मुग्धता लोकतंत्र को लील जाती है, दल के अंदर और दल के बाहर भी, और यही हुआ है बीजेपी का। जब हम यही चीज बोलते हैं तब आप लोग हमारे ऊपर हंसते हो,
जब हम बोलते हैं कि असली आजादी 2014 में मिली है तब आप लोग हमारे ऊपर हंसते हो। अरे ये सारी जो किताबी बातें हैं ये 2014 से पहले की है। अभी अभी देश बदल गया है, लोगों की सोच बदल गई है। नहीं 2000 ये सब बिल्कुल अच्छी आती है किताबों में, इसमें रखिए, बहुत अच्छी मोटी सी है, बहुत अच्छी है, इसमें रखिए आप 2000 हॉब्सबॉक। हाँ। ओहो किताब का नाम भी देखिए, लाइफ इन हिस्ट्री। अरे बाबा, आप ये चाहते हैं कि लाइफ इन हिस्ट्री को 14वीं तक कर दें? इतनी बड़ी किताब है कि हम दो माने इसमें हम अपना मसल बिल्डिंग कर लेंगे। बड़ी बड़ी किताब, मैं कह रहा हूँ इसलिए कि इसका भी नाम है लाइफ इन हिस्ट्री। 2014 से पहले कोई इतिहास नहीं था, 47 से लेकर के 2014 तक खारिज कर रहे हैं। बुरा इतिहास था। किस तरह का बुरा इतिहास था? इसलिए कि लोग स्नेह से रहते थे, लोग स्नेह से रहते थे, हिंदू मुसलमान डिबेट नहीं होती थी, इंडिया पाकिस्तान डिबेट नहीं हुआ करती थी, और ऐसी तमाम चीजें नहीं होती थी जिससे लोगों के बीच में नुकीले कांटे वाली दीवारें हों। ये 2014 के बाद का हिंदू मुसलमान डिबेट नहीं, अपीजमेंट होता था, और अब अपीजमेंट होना बंद हो गया है, तभी आप लोग को इतना कष्ट हो रहा है। मुझे एक बात बताइए, मैं इस पर चुकी मैंने काफी काम भी किया है, अपीजमेंट का मतलब क्या होता है? किसी को खास फायदा पहुंचाए। मुझे एक उदाहरण दे दीजिए, अगेन आपके शब्दों में इंपिरिकल एविडेंस, क्या अपीजमेंट हुआ फलाने का, इतने वर्षों तक अपीजमेंट हुआ? कोई डेटा नहीं। मनमोहन सिंह ने क्या कहा था? माइनॉरिटी हैव द फर्स्ट राइट टू रिसोर्सेज, बोला था कि नहीं? आप उसके देखिए उस ये नहीं 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 फंसा, बिल्कुल नहीं। एक मैं बता रहा हूं कि किसी भी स्टेटमेंट को कोलन और सेमी कोलन के बाद काट करके अगर आप बता देंगे, उदाहरण के लिए बता रहा हूं, एक मिनट का वक्त दीजिए। मार्क्स पे आरोप है कि उन्होंने कहा कि रिलीजन इज द ओपियम ऑफ द मैसेस, ओपियम फॉर द मैसेस। पूरा सेंटेंस पढ़िए, वो कहते हैं सोल ऑफ द सोललेस वर्ल्ड वगैरह वगैरह, सेमी कोलन के बाद ये सेंटेंस आता है। हमने क्या किया, सेमी कोलन के बाद की चीजें निकाल ली और बाकी सारी जो चीजें, यही मनमोहन सिंह जी के साथ किया। तो वो क्या कहना चाहते थे, आप बता दो प्रोफेसर जी। वो बेसिकली कहना चाहते थे कि हाशिए के तमाम लोग, चाहे वो दलित हो, बहुजन आबादी हो, माइनॉरिटीज हो, आपने माइनॉरिटीज पकड़ लिया। और उसके बाद वो तो कहता हूं कि अगर 14 के बाद एक नए समाज का जन्म हुआ है मोदी जी के अवतरित होने के बाद, तैयार होइए ना जातिगत जनगणना के लिए, क्यों चुप्पी साधे हुए हो? वो बहुत जरूरी वैज्ञानिक आंकड़ा है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा। क्यों चुपी है? क्योंकि आपको नंबर से डर लगता है, और ये डर इसलिए लगता है कि आप 14 ईस्वी के बाद के ही इतिहास को अपना इतिहास समझते हैं। अरे नहीं नहीं मैं ओहो, अरे अच्छा अच्छा, तो अगर इतना ही है आपके पास, इतना ही स्ट्रेटेजी है, मैंने मुझे कभी लग रहा है ये इंडियाना जोन्स टाइप है, इंडिया जोन्स है, यही है प्रोफेसर साहब। तो ये जो नए बाबा टाइप जो पॉलिटिशियंस हैं, तो इनसे क्या कहना चाहेंगे आप कि कैसे कैसे लड़े 2024? क्या स्ट्रेटजी है? है कोई स्ट्रेटजी है? सबसे बड़ी स्ट्रेटजी जो टाइम टेस्टेड स्ट्रेटजी है, आई एम गोइंग बैक टू 77 और 2004। आप मुद्दे तय कर लीजिए। आज कर्नाटक में जीत मैंने कर्नाटक इफ नॉट मोदी देन हु मुद्दा इफ नॉट डिफीट मुद्दा नो इफ नॉट मोदी देन वी द पीपल। सुन लीजिए, 5 गारंटी कांग्रेस ने कर्नाटक में दी। बजरंग बली करते रह गए, बजरंग दल को बजरंग बली से इक्वेट करते रहे, फेल कर गए। उस तरह की लोकोन्मुख चीजें कर्नाटका के लोग सुप्रीम लीडर माफ नहीं करेंगे, पहले बता दे रहा हूं। जानता हूं भुगतेंगे, मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री जी को बजरंग बली भी माफ नहीं करेंगे। बजरंग बली बेचारे सोच रहे होंगे कहां हमको बजट के लिए आए। अच्छा बताइए यहां क्या बता। तो मैं ये कह रहा था कि पूरे देश में उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जब सारे पॉलिटिकल लीडर सिविल सोसाइटी बैठेंगे, इश्यूज थ्रैश आउट करना है। ये चुनाव मुद्दे जीतेंगे साहब, मोदी के नाम पे मुद्दे हारते हैं, मुद्दों को नहीं हारने देना है। मुद्दे अगर हार गए तो आपके पास डेमोक्रेसी नाम की चीज नहीं बचेगी। बताइए ना 2024 का मुद्दा बताइए। अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है, हर घर को प्रभावित कर रहा है। महंगाई हर घर को प्रभावित कर रहा है। सामाजिक सौहार्द हर घर को प्रभावित कर रहा है। इकोनॉमिक मॉडल हर घर को प्रभावित कर रहा है। और क्या चाहिए मुद्दे के रूप में? अच्छा, और जो हमें कॉन्फिडेंस मिला, हम जो विश्व गुरु स्टेटस बन रहे हैं, पूरी दुनिया हमें रिस्पेक्ट कर रही है, इसका कैसे भाव लगाओगे प्रोफेसर जी? पूरी दुनिया रिस्पेक्ट कर रही है। अभी चाइना के बॉर्डर पे हम हालात देख रहे हैं, पाकिस्तान की पाकिस्तान को तो छोड़ ही दीजिए, चलिए उसको नेपाल की असेंबली में हमारे बारे में क्या टिप्पणियां हो रही हैं, क्या ये चीजें हमें नहीं देखनी चाहिए? बांग्लादेश से क्या हो रहा है, क्या हमें नहीं देखना चाहिए? हर इंडेक्स पे ये छोटे छोटे देश हमें पीछे छोड़ के चले जा रहे हैं, और हम सिवाय इसके रेटरिक विश्वगुरु कौन सा विश्वगुरु? वैश्विक दर्शन नहीं, और विश्वगुरु विश्वविद्यालयों को खत्म कर दिया विश्वगुरु। न्यू एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर आप रिग्रेसिव टेंडेंसीज जन्म को जन्म दे रहे हैं विश्वगुरु। मैं आया था बहुत विनम्र स्वभाव से आपसे बात करने के लिए, और मैंने अभी भी अपनी आवाज ऊपर नहीं की।
आनंद मोहन जी किसको छोड़ा हमें हमारे में तो बहुत अपने गिरवान में झाके देखिए जरा। नहीं नहीं तमाम गिरवानों में झांकने के बाद आपको सीधे सुप्रीम आनंद मोहन जी के बारे में बताइए। मैं वो भी बताऊंगा। सुप्रीम लीडर का जो ये पूरा आइडिया है ना ये एंटी डेमोक्रेटिक। सुप्रीम लीडर जब कोई बनता है ना, एक दौर में इंदिरा जी को बनाया था ना, तो डेमोक्रेसी तहस नहस हो गई। आज वही हाल इस देश का है। रही बात आनंद मोहन जी के बारे में, प्रोसीजरल चीजें वहां ड्यू क्योंकि बिहार के अलावा, सुन लीजिए, बिहार के अलावा किसी राज्य में यह व्यवस्था भी नहीं थी, बिहार में यह व्यवस्था थी। अब चूंकि मामला आज सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है इसलिए इस पर टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, क्योंकि आज ही सर्वोच्च न्यायालय ने बिहार सरकार को कुछ इंगित किया। देखा भक्त बनर्जी ने खेल दिया अपना पासा, दूसरा पासा भी। अभी देखो टेप लगाओगे अभी आप अपना, ये जो इतना सोशलिज्म आप हमें समझा रहे हो और पूंजीपति के बारे में बता रहे हो, अरे सबसे ज्यादा बड़े सोशलिस्ट तो मोदी जी हैं। पूछे कैसे 80 करोड़ लोगों को राशन कौन दे रहा है? अभी मोदी जी दे रहे हैं। तो इसमें आपको नहीं दिखता है कि कितना वेलफेयर कर रहे हैं हमारे मोदी जी? मैं इसमें एक दूसरा पहलू कहूं। हाँ बोलो। दो चीजें एक साथ नहीं हो सकती है। एक तरफ आप कहो कि भारत तरक्की कर रहा है, हमने इतने लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर कर दिया है, और दूसरे 80 करोड़ लोगों को आपको राशन देना पड़ रहा है। ये तो ऑक्सीमोरोन है, ये परस्पर विरोधाभासी हैं। दोनों में से कोई एक बात ही सच हो सकती है। तो प्रधानमंत्री जी और उनके सलाहकारों से आग्रह है कि चुन लीजिए कि कौन सा स्क्रिप्ट चलाना है। एडिटर ये वाला ये क्या बात कर रहे हैं? ये तो वो डिबेट वाली पॉइंट आपने बता दी। ये इफ नॉट दिस देन दैट ऐसा तो नहीं होता है। नहीं बिल्कुल। ये कैसे बात हो गई? हमने दिखाया कि वो सोशलिस्ट है तो आप बोल रहे हो कि नहीं, वो अब लोग कैसे गरीब हो गए? अब लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, गरीब कैसे हो गए? अगर वो सोशलिस्ट होते ना तो जातिगत जनगणना के लिए फौरी तौर पर तैयार होते, सामाजिक न्याय सुनिश्चित करते। वो क्यों अवरोधक बने खड़े हैं? ये चिंता का विषय है। अगर वो सोशलिस्ट होते ना तो ये जो ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई थी इनकम इनइक्वालिटी को लेकर के, इनकम इनइक्वालिटी को लेकर के सदन में चर्चा तक होने नहीं दी आपने। अरे वो क्योंकि आप लोग ना मैंने अमीर मैने गुनहगार नहीं कहता ही नहीं। अमीर मतलब गुनहगार नहीं, लेकिन अगर अमीरी अतिशय वाली है ना तो उसका कुछ हिस्सा ट्रिकल डाउन के ही सहारे उन पिरामिड के बेस तक पहुंचना चाहिए, तभी जाकर के मैं समझता हूं कि आपका आपको हम थोड़ा बहुत भी कह पाएंगे कि आपके अंदर समाजवाद की धारा है, समानता की धारा, समाजवाद की धारा। और लेकिन जहां परिवारवाद वैसे समाजवाद, बताइए 2024 में एक और रीजन इसलिए है क्योंकि सबके सब परिवारवाद वाले हैं और इसीलिए हमारे सुप्रीम लीडर आएंगे। ये बात आप लोग नहीं बताओगे, ये आपके सोशलिज्म वाले फॉर्मूला में फिट नहीं आएगा। नहीं, सबसे बड़े परिवारवादी तो हमारे सुप्रीम लीडर हैं तथा कथित, क्योंकि बाकी के सारे परिवार ना चुनाव में जाते हैं और चुनाव से जीत के आते हैं या हार जाते हैं। इनका जो परिवार है ना वो चुनाव लड़ता नहीं है लेकिन चुनाव के आउटकम को सेट करता है। उस परिवार का नाम है RSS। थोड़ा तो आप समझिए, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है इस परिवार की। एक ही वर्ग से इनके सुप्रीम आते रहते हैं और वो नीति और नियत दोनों तय करते हैं। उनके गोलवलकर हुआ करते हैं जो एकदम कहते हैं कि मंदिर में दलितों का प्रवेश निषिद्ध ही रहना चाहिए, आरक्षण को लेकर के कहते हैं। तो इस परिवार से प्रेरित है हमारे प्रधानमंत्री जी। अब आप बताइए कौन सा परिवार? मैंने कहां से कहां बात, आप ऐसे ऐसी चीजें नहीं कर सकते हैं। मैंने मैं आपसे ऐसी बातें कर रहा हूँ, आप सीधे वहां चले जा रहे हैं। मैं आपको है? अरे मैं बता रहा हूँ, आपके सारे किताब धरे के धरे रह जाएंगे क्योंकि आपने अभी तक नहीं समझा है। पार्लियामेंट में पता नहीं कहां कहां जाके ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि मोदी जी चुनाव तो जीत लेते हैं दिल नहीं जीत पाते हैं। है? ये कौन सी किताब ने आपको दिखाया वो दिल नहीं? अरे जहां जहां रैली में जाते देखे फूलों की बारिश कैसे होती है, लगता प्रभु यार। आपको पता है कर्नाटक का जब वो चुनाव हारे तो हमको एक चीज की बहुत खुशी हुई कि हजारों क्विंटल फूलों की आत्मा आज धन्यवाद दे रही होगी कि हम मरने से बच गए। अरे कमाल ना, अगर उस दिन वो जीत गए होते ना तो पूरा का पूरा यहाँ बीजेपी हेडक्वार्टर में इतनी पुष्प वर्षा होती। अच्छा ये बताइए पुष्प कहाँ से आते हैं? ये करोड़ों रुपए कौन खर्च कर रहा है? जाहिर है आम आदमी तो अफोर्ड नहीं कर सकता, मैं नहीं अफोर्ड कर सकता 2000 का फूल। तो प्रधानमंत्री जी का अगर ये करोड़ों पुष्प की वर्षा होती है तो मैंने कहा था कि अगर आज पुष्प की अभिलाषा नाम की कविता दोबारा लिखी गई होती तो इसमें जिक्र प्रधानमंत्री जी का बहुत बड़े स्केल पर होता। पुष्प की अभिलाषा में प्रधानमंत्री को भी ले आए। मैंने कहा कि भाई ये मुझसे नहीं हो रहा यार, ये इंटेलेक्चुअल सब। आप मुझे बस एक बात
रहा हूं, एक बस मुझे बात बताओ कि ये जो आपका इंटेलेक्चुअलिज्म है ये आपको किस तरीके से ले जा रहा है, क्योंकि एक तरफ आप प्रधानमंत्री पर कटाक्ष करते हो, दूसरी तरफ आप अपने पार्टी के बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहते हो, उधर आप बहुत बड़े नेहरू भक्त हो, नेहरू जी के बारे में बड़ी बड़ी अच्छी बातें करते हो, बताइए फिर कांग्रेस जाना चाहते हो, बोलो ना। नहीं, नेहरू कांग्रेस की बपौती है ही नहीं, मैं पार्लियामेंट के अंदर बोला हूं। नेहरू ये इधर मैं दिखाना चाहता हूं, गांधी नेहरू अंबेडकर अगर आज तीनों पृथ्वी पे आ जाते ना कोई व्यवस्था होती, अलायंस बना लेते तीनों, बावजूद इनके जीवन काल में इनमें डिफरेंस बहुत था। तो अंबेडकर को समझना आपके लिए आवश्यक है कि आप जस्टिस के पूरे आइडिया को समझते हैं, नेहरू को समझना आपको पता होगा कैसे हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मैच्योर हुई है, और गांधी को समझना कि रिलीजन के बावजूद कम्युनल और रिलीजियस दोनों में क्या फर्क है। तो ये तीनों मैंने इसलिए लगा के रखे हैं कि अगर आज पृथ्वी पे हूं तो अलायंस हो, और मोदी जी को ये समझाने की कोशिश हो कि मोदी जी इस देश के मिजाज को छत विच्छत मत करिए। ये जो आप घुमा फिरा के बातें कर रहे हो ना, आज मैं चाहता हूं ये इंटरव्यू खत्म होने से पहले आप मुझे ये बात समझाओ कि ये जो गलती है ये नेहरू की गलती है या नहीं है, कश्मीर की गलती इतना ज्यादा, यूएन की गलती इतना ज्यादा, मोदी की गलती दिखाते दिखाते भूल गए आप कि नेहरू की गलती कितनी है, बताइए आप मुझे। मैं आपको तो समझता नहीं, मुझे तो लगता था कि कम से कम आपको ये समझ होगी कि नेहरू ना हुआ होता ना, नेहरू ना हुआ होता इस देश की जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की इमारत है ना वो इतनी मजबूत ना हुआ होती। पटेल होते? नहीं, देखिए सरदार पटेल और नेहरू में तो गांधी जी ने ही सेटल कर दिया था विवाद को कि कौन ईयर होगा हमारा, कौन हमारे बाद संभालेगा। अब अगर नेहरू ना होते ना तो पाकिस्तान की तरह हम होते, उस वक्त भी नेहरू और गांधी के पास लोग आके कहते थे कि पाकिस्तान में ये हो रहा हमारे साथ, तो गांधी ने नेहरू के समक्ष कहा था तुम लोग कुछ भी कहो हम इसे हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे, नेहरू ने नहीं बनने दिया। और अब देखिए नहीं अब देखिए जो 75 वर्षों में नहीं हुआ हमारे यहां की बहुत सारी छवियां पाकिस्तान की तरह होती जा रही हैं। ये चिंता का विषय है, नेहरू था तो उसने इतने बड़े पार्टीशन के बाद भी संभाला मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह, हम बहुत छोटी ताकत थे लेकिन मिजाज ऊंचा करके बोलते थे। ये नहीं आज हमारे एक मंत्री कहते हैं कि चाइना से हम कैसे आंख में आंख डाल के बात करें क्योंकि वो इतने डॉलर की इकोनॉमी है, ये नेहरू की जुबान कभी नहीं होती, नेहरू की सोच कभी नहीं होती। अरे वो जयशंकर जी ने बोल दिया था वो ठीक है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन आप ऐसे कैसे बोल सकते हो कि हमारे देश में पाकिस्तान जैसी चीजें चल रही है, क्या बोल रहे हैं आप, इंटरनेशनल चीजें बोल रहे हैं आप, मैं बता दे रहा हूँ केस हो जाएगा आपका। सुनिए घृणा और वैमनस्यता की जो चीजें पाकिस्तान ने 47 से लेकर के पोसी ना आज अपने यहाँ वही हो रहा है, हम इतने दिन तक बचे रहे लेकिन आज क्या हो रहा हालात है, कौमों के बीच में दीवार, लोगों के बीच में दीवार, इतिहास को लेकर के खिद्दम खिद्द कि ये इतिहास नहीं हमको दूसरा वाला चाहिए, ये इतिहास क्या कि मॉल में जाकर के मोबाइल फोन खरीद रहे हो कि ये वाला नहीं चाहिए वो वाला चाहिए। ये मैं समझता हूं कि इसलिए ये चिंता होती है कि पाकिस्तान की निंदा करते करते ये रेजिम कई मामलों में पाकिस्तान की तरह बना रहा है। मुझे बात नहीं करनी है आपसे मुझे बात नहीं करनी है, अरे जो इंसान पाकिस्तान बना देता है मेरे देश को बात नहीं करनी, एडिटर बंद कर, ये लो टेप लगा दो, खुश हो जाओ, हम पाकिस्तान नहीं। प्रभु जी आपके चरण गए आपके। नमस्कार मित्रों।